माय चैनल, मैं हूँ इर्तिका। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये है रिलेटेड टू स्किन केयर। मैंने नायका से बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू स्किन केयर के ऑर्डर करे हैं और सारे प्रोडक्ट मुझे रिसीव हो गए हैं, उसको मैं ट्राई कर चुकी हूँ। तो मैं सोचा आप लोगों के साथ में उसका रिव्यू शेयर करती हूँ। जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव है, बट उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर आप ट्राई करोगे, अगर आप अपने कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो स्किन केयर में, अच्छा रिजल्ट आप देखोगे, ट्रस्ट मी फ्रेंड। जो भी फ्रेंड्स, जो मेकअप है, मेकअप से पहले हम लोगों को अच्छा करना होता है अपना स्किन केयर, इसलिए मैंने अब तो फ्रेंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। तो जो भी लिंक है वो सब आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी। और चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा बात नहीं करूँगी, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, जो सबसे मेरा फेवरेट वाला ब्रांड है वो है बॉडी शॉप का। ये जो ब्रांड है, आप सबको पता होगा कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है और मैं बहुत टाइम से मैं लेना चाहती थी, बट तो मैंने सोचा बर्थडे पे मैं अपने आप को खुद ही गिफ्ट कर देती हूँ जो भी स्किन केयर के, जो मैं बहुत टाइम से मैं लेना चाहती थी सारे प्रोडक्ट्स को। तो जो मेरा फर्स्ट फेवरेट है वो है फेस वॉश। तो ये है बॉडी शॉप का टी ट्री स्किन क्लियरिंग फेशियल फेस वॉश। एंड इसकी कुछ पैक माय फेवरेट ब्रांड लोटस के पहले वाला। इनफैक्ट मुझे लोटस पसंद है, मुझे लोटस के सारे प्रोडक्ट्स पसंद है। ये लोटस के एक ऊपर लेवल वाला प्रोडक्ट है और आपको पता होगा कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं इसके प्रोडक्ट, बट वर्थ इट है अगर आप अच्छे फेस वॉश को यूज़ करना चाहते हो। और टी ट्री इसीलिए मैंने मंगवाया है क्योंकि मेरे पिम्पल्स एक्ने होते हैं, ऑयली स्किन है तो इसीलिए। और ये सूटेबल है स्पेशली ब्लेमिश स्किन के लिए। तो अगर आपके स्किन कॉम्बिनेशन या ऑयली है तो यू कैन ट्राई दिस, डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस। और आप इसका रिजल्ट देखोगे फ्रेंड्स, आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी ट्राई करने के बाद में। बहुत ऐसे फेस वॉश होते हैं जो आपकी स्किन को ड्राई कर देते हैं, बट ये बिल्कुल भी ऐसा फेस वॉश नहीं है। इसको आप ट्राई कर सकते हो। और अगर आप, मतलब आप देख रहे हो क्वांटिटी, अगर आप, आई नो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट आपका आराम से चलेगा। ये थोड़ी सी क्वांटिटी हम लोगों को लेनी होती है फेस वॉश के लिए। तो मैंने परचेज किया है कामा आयुर्वेदा। वो ऐसा फील होगा कि आप अपने फेस पे रोज लगा रहे हो। इसकी स्मेल एक्चुअल में एक रोज की स्मेल है और बहुत ईजी एब्जॉर्ब हो जाता है। बहुत ही अच्छा सा फेस में ग्लो आएगा आपको यूज करने के बाद में। मैं आपको ट्राई दिखा देती हूँ। एंड द स्मेल बहुत अच्छी है, इजी आप देखोगे, अब इजी एब्जॉर्ब है। इसका जो प्राइस है, एमआरपी है, वो 395 है। तो ये बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग है। एंड कामा के बीच में इसकी बड़ी बॉटल मंगा लूँगी फ्रेंड। तो यू कैन इन्वेस्ट इन, अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसको डेफिनेटली मैं इसको बाय करने वाली हूँ इसकी बड़ी बॉटल। फ्रेंड्स, जो मैंने नेक्स्ट मंगाया है, लोटस के बिना जो भी मैं ऑर्डर करूँ अधूरा है। तो मैंने लोटस का इस बार मंगाया है बोटैनिकल विटामिन सी स्किन ब्राइटनिंग फेस स्क्रब। तो ये स्क्रब है जो लोटस की स्क्रब, इसका जो एमआरपी है वो 345 है, बट जो रिजल्ट है स्क्रब का, स्पेशली स्क्रब एंड फेस वॉश, बहुत अच्छा है। मैंने एप्रिकॉट स्क्रब यूज़ किया है लोटस का। आपके वाइट हेड हो, ब्लैक हेड हो, आपकी स्किन में कुछ भी मतलब हो, आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाएगी यूज़ करने के बाद में। तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर देखा कि अपने स्किन में, कि आपकी स्किन की जो भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगी हैं। तो ये वर्थ इट है। लोटस के प्रोडक्ट्स मैंने जितने भी यूज़ किए रिलेटेड टू फेस वॉश हो, मॉइस्चराइज़र हो, स्क्रब हो, मैंने अपनी स्किन में डिफरेंस देखा है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग ज़रूर लोटस के प्रोडक्ट को ट्राई ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। और ये कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है वैसे, 345 रुपीज़, आई थिंक वर्थ इट है। आप स्क्रब वीक में एक या दो बार करते हो तो ये वर्थ इट है, इसमें पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसको डेफिनेटली आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। फेवरेट चीज़ है वो है ये, जो इसकी पैकेजिंग है, जो ये प्रोडक्ट है, मैं क्या इसकी तारीफ करूँ, मतलब तारीफ़ें कम है। ये है डॉट एंड की का स्किन केयर। द पैकेजिंग, आप पहले मैं पैकेजिंग की बात करती हूँ। आप पैकेजिंग देखो, कितनी क्यूट सी पैकेजिंग है ये। हम लोगों को इसको ऐसे ओपन करना है। एंड अब बॉटल की बात करते हैं। जो बॉटल है वो ग्लास में है। एंड पैकेजिंग फ्रेंड्स, आप देखो पैकेजिंग की, पैकेजिंग देखो कि बॉटल कितनी क्यूट सी बॉटल है। एंड
ऐसे इसका कवर ऐसे ट्रांसपेरेंट दिया हुआ है, आप देख रहे होगे, एंड इतना सॉफ्ट, इतनी स्किन, एक्चुअल में इसमें आपकी जो स्किन है वो हाइड्रेट करती है। इस पे लिखा हुआ है 72 आवर्स हाइड्रेटिंग जेल प्लस प्रोबायोटिक्स। तो फ्रेंड्स आप डिफरेंस एक टाइम आप इसको यूज़ कर लोगे। ये भी एक्सपेंसिव है, शेयर करती हूँ, तो आपकी स्किन एक्चुअल में 72 आवर्स तक हाइड्रेटेड रहती है। प्लस एक आपका स्किन में ड्यूई थोड़ा सा शाइन आएगा, जो एक्चुअल में इसमें लिखा है ड्यूई। इसको आप डेली यूज़ कर सकते हो, आप इसको डे में भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको नाइट में भी यूज़ कर सकते हो, एंड क्वांटिटी भी इस क्वाइट गुड क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है इसकी, आप देख रहे होगे। तो यू कैन ट्राई दिस, डेफिनेटली ट्राई दिस प्रोडक्ट, प्लीज़ ट्राई करना। अगर जो ट्राई कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन भी ज़रूर करिएगा, अगर आपको उसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं तो प्लीज़। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है प्लम का विटामिन सी सीरम 15% ग्लो बूस्ट। तो मुझे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि टेक अ फ्यू ड्रॉप्स एंड पैट सीरम इन ओवर फेस एंड बेस्ट यूज आफ्टर क्लींजिंग एंड बिफोर मॉइस्चराइजिंग, मेक श्योर टू फॉलो अप विद सन स्क्रीन इन द डे। तो आप इसको जब चाहो आप तब यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको नाइट टाइम में ही यूज़ करना है, तो आप इसको जब चाहो यूज़ कर सकते हो। एंड विटामिन सी है फ्रेंड्स, तो मैं बहुत टाइम से चाहती थी कि मैं कोई ऐसा सीरम लूँ जिसमें विटामिन सी की क्वालिटीज़ हो, तो ये वो सीरम है एक्चुअल में। एंड डिफरेंस मैंने देखा है इसको यूज़ करने के बाद में, जो भी प्रोडक्ट्स है ना फ्रेंड, मैं ट्रस्ट मी, मैं आपको ऑनेस्ट इसका रिव्यू करता है, इसलिए मैंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया सनस्क्रीन में। मुझे परफेक्टली सूट करता है ये वाला लोटस का सनस्क्रीन, तो ये मैंने परचेज किया है। एंड ये है 3-in-1 मैट लुक डेली सन ब्लॉक सन प्रोटेक्शन स्किन लाइटनिंग मैटिफाइंग, और इसमें SPF 40 UVB है, ऑल स्किन टाइप है, परफेक्टली एक मैट फिनिश एक्चुअल में आता है इसको यूज़ करने के बाद में, हल्का सा ग्लो भी आता है, और एक्चुअल में आपकी स्किन जो है ना वो प्रोटेक्ट होती है सन की रेज से। तो यू कैन ट्राई दिस, एंड इसका जो MRP है वो 425 है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, सॉरी एक्सपेंसिव भी है, और यू कैन ट्राई दिस फ्रेंड्स। ये मैं बहुत कुछ आपका ट्राई करो ना करो इसको ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, ये परफेक्टली सूट होता है, एंड ऑलरेडी इसमें मेंशन है ऑल स्किन टाइप, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई करिएगा ज़रूर। एंड अब जो नेक्स्ट मेरा सबसे क्यूट सा फेवरेट प्रोडक्ट है पूरे, कैन सी द पैकेजिंग इज वेरी क्यूट, वेरी 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 क्यूट। एंड ये है प्लम का कैंडी मेल्ट वेगन लिप बाम मेलन बबल यम, हल्का सा कूलिंग और एक जो बबल गम होता है उसकी आपको फील आएगा कि आप वो कुछ लगा रहे हो, और अच्छे से ये मॉइस्चराइज करेगा आपके लिप्स को, और स्लाइटली से इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, तो आप डेफिनेटली जो आपको पसंद हो आप उसमें से परचेज कर सकते हो। मुझे ये बहुत पसंद आया इसलिए मैंने ये परचेज किया है, तो पैकेजिंग कुछ इसकी ऐसी है। का ने नायका आई थिंक हर ईयर कुछ ना कुछ बर्थडे पे सेंड करते हैं, तो उन्होंने एक फ्री गिफ्ट भेजा है नायका नेचुरल सैंडलवुड एंड ऑरेंज पील डी टैनिंग फेस वॉश। कोई भी स्किन केयर से प्रोडक्ट मैंने नहीं ट्राई किया है, तो मैं इसको इसका रिव्यू मैं कुछ ऐसा नहीं दे सकती हूँ, और आई थिंक सैंडलवुड एंड ऑरेंज पील है तो डेफिनेटली मुझे सूट करेगा, मेरे स्किन टाइप के हिसाब से परफेक्टली मुझे सूट करेगा। मैंने अपनी स्किन केयर जो मैंने नायका से परचेज़ किया वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया, मैंने रिव्यू प्लस मैंने प्राइस भी आप लोगों के साथ में शेयर किया। एंड मैं बात की अब बात करती हूँ कि जो मैंने परचेज़ किया है, एंड वो है MNS का बॉडी वॉश एंड मॉइस्चराइज़र। तो पहले बात करते हैं बॉडी वॉश की, जो मैंने फर्स्ट परचेज़ किया था, एंड उसके बाद से मैं MNS की फ़ैन हो गई हूँ, इट मीन्स मार्क्स एंड स्पेंसर की। तो मैंने जो फर्स्ट परचेज़ किया था वो था ये ऑरेंज फ्लावर एंड वेनीला फ्रेग्रेंस बर्स्ट बॉडी वॉश। तो ये कुछ इसकी पैकेजिंग है, बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग है, एंड क्वांटिटी आप देख रहे हो अच्छी खासी इसकी क्वांटिटी है। MRP की बात करते हैं तो ये कुछ 499 इसकी MRP है, बट अच्छा है, मतलब आप अच्छे आपको क्वांटिटी मिल रही है, 250 ml है इसकी क्वांटिटी। एंड इसका जो यूज़ करने के बाद में जो इसका रिजल्ट है, आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट
प्लस आपकी स्किन को ये एक्सफोलिएट अच्छे से करता है और बिल्कुल भी स्किन आपकी ना ड्राई नहीं लगेगी। आपको ज़रूरत नहीं लगेगी कि आपको उसके बाद में मॉइस्चराइजर यूज़ करना है, ट्रस्ट मी आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा, बहुत सॉफ्ट आपकी स्किन हो जाएगी। बहुत मेरा फेवरेट वाला ये बॉडी वॉश है। उसके बाद मैंने और दो बॉडी वॉश यूज़ करे हैं सेम एमएनएस से, तो ये मैंने स्टोर से परचेज करा है दोनों भी प्रोडक्ट्स। तो मैंने बाय किया है नेचर्स इंग्रेडिएंट्स कोको बटर एंड वेनिला फ्रेग्रेंस। जो इसकी स्मेल है वाओ, मतलब बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है, बहुत ही माइल्ड सी इसकी स्मेल है एंड बहुत 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 अच्छी इसकी स्मेल है। और इसका जो एमआरपी है वो 399 है, क्वांटिटी इसकी आई थिंक 250 ml है और अच्छी क्वांटिटी है आप देख रहे होगे तो। और बहुत स्किन आपकी सॉफ्ट हो जाती है, सेम कोको बटर है तो बिल्कुल कोको बटर जहाँ रहता है। कुछ कुछ मैंने मॉइस्चराइज़र बॉडी वॉश देखे ना बहुत स्टिकी हो जाते हैं, बहुत स्किन ड्राई हो जाती है, बट ये बिल्कुल भी वैसा बॉडी वॉश नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट स्किन हो जाएगी। एंड कोको बटर के बिना बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है, बहुत ही माइल्ड सी स्मेल है। बहुत अच्छा ये वाला, बहुत 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 अच्छा बॉडी वॉश है, ट्राई ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। एमएनएस के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और मैंने ये वाला ट्राई नहीं किया, मुझे ये वाला भी ट्राई करना है। मैंने परचेज़ किया है फ्लोरल कलेक्शन का चाइना ब्लू मॉइस्चर रिच चार क्रीम, ये भी बहुत अच्छा वाला है, मतलब इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। अभी मैंने ट्राई नहीं किया है बट इसकी स्मेल, सारे प्रोडक्ट्स की स्मेल जो मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है कि बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ही माइल्ड सी स्मेल है। आप स्किन आपकी जो बॉडी है वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, अच्छे से एक्सफोलिएट कर देता है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है एमएनएस के प्रोडक्ट्स की। एंड अब बात करते हैं मॉइस्चराइज़र भी लिया है मैंने चाइना ब्लू, सेम इसी का मैंने मॉइस्चराइजिंग हैंड एंड बॉडी लोशन लिया है, कुछ ऐसे पंप में आता है, ईजी होता है यूज़ करने के लिए, ये मुझे बहुत एक अच्छी चीज़ लगती है। पैकेजिंग इसकी बहुत अच्छी सी पैकेजिंग है, आप आराम से इसको ट्रैवल में यूज कर सकते हो एंड स्मेल बहुत अच्छी सी है, आपको बार बार यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉइस्चराइजर की एक अच्छी चीज यही होती है कि अगर आपको बार बार यूज ना करना पड़े, यही एक अच्छी चीज है इसमें, अच्छे से ना आपकी जो स्किन और बॉडी को अच्छे से ये मॉइस्चराइज कर देता है। बहुत सी माइल्ड सी स्मेल है इसकी एंड वाओ, ट्राई ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स इसको, प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। ये जो भी एमएनएस के प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करे हैं, बहुत रिफ्रेशिंग आप अपनी बॉडी पे ये देखोगे कि आपको बार बार यूज़ नहीं करना पड़ा, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है मॉइस्चराइज़र। एक बहुत अच्छी चीज़ यही है कि आपको बिल्कुल भी स्टिकी नहीं लगेगा, आपको बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वन टाइम ही इनफ है आपके लिए कि आपको बार बार नहीं यूज़ करना। फ्रेंड्स ये था पूरा मेरा वीडियो जो मैंने अपना स्किन केयर और बाद मैंने जो भी मैंने परचेज़ किया वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, और जो भी प्रोडक्ट्स की डिटेल और होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली मैं उसको मेंशन कर दूंगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं एंड मुझे फेसबुक पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर मिल जाएगी। बाय बाय, टेक केयर।